नमस्ते, मैं चैताली मुरली पकवान में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने चले हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। फिलहाल जो विंटर का सीजन चल रहा है उसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स आते हैं, कैरेट्स आते हैं, लेकिन बच्चे वो खाना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हमने ये कॉम्बो रेसिपी बनाई है जिसे बच्चे से लेके बड़े तक सब खाना पसंद करेंगे और आपको भी बनाना बहुत आसान है। तो चलिए हमारी क्विक रेसिपी देख लेते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हमारी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हमें एक मिक्सर का जार लेना है और उसमें हरे मटर डाल देने हैं, और फिर उसमें जो हरे तुअर के दाने आते हैं वो भी मिला लेने हैं। उसमें दो ग्रीन चिली भी हमने डाल दी है और कुछ लहसुन की कलियां भी डाल देनी है। एक चम्मच जीरा उसमें मिला लेंगे और फिर उसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। जैसे ही हम मिक्सर में घुमाएंगे तो यह ऐसे ऊपर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट बन के तैयार है, दानों की बिल्कुल भी गुठलियाँ यहाँ पे नहीं है, ऐसे ही पेस्ट चाहिए हमें। तो एक बर्तन ले लेंगे और उसमें एक बाउल गेहूं का आटा ले लेंगे, और फिर हाफ बाउल ज्वार का आटा और हाफ बाउल बाजरे का आटा ले लेंगे। तो देखिए कैसे हेल्दी ब्रेकफास्ट बन के तैयार होता है ये, और फिर इसमें जो पेस्ट बनाई थी वो भी डाल देंगे, और फिर इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर भी डाल देंगे। फिर इसमें हल्दी पाउडर मिलाएंगे और एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे, एक चम्मच नमक भी मिला लेंगे। फिर हम इसमें एक चम्मच सफ़ेद तिल मिला लेंगे और हाफ चम्मच अजवाइन भी मिला लेंगे। यहाँ पे हमने एक चम्मच जीरा पाउडर भी यूज़ किया है और ढेर सारी धनिया भी हमने डाल दी है। आप धनिया तो डालिए ही, लेकिन अगर आपके पास मेथी पालक कुछ भी होगा तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे ये ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा। अगर आपके पास ये वेजिटेबल्स अवेलेबल ना हो तो आप वो स्किप करके बाकी के कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका डो लगा लेते हैं, तो सॉफ्ट ऐसा डो बनके तैयार हो जाएगा। देखिए डो बनके तैयार है। अब हम इसी डो से अलग अलग तरह के ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज की रोटी तैयार की है और फिर उसके जो कॉर्नर्स है उसे काट के इसे स्क्वायर शेप दे दिया है। अब हम इसके ट्रायंगल्स बना लेते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इसे ट्रायंगल शेप किस तरह से दिया है। तो ये शेप बनके एकदम तैयार है। तो अब हम गरम तेल में इसे फ्राई कर लेते हैं। जैसे मार्केट में मटरी मिलती है ना, वैसे ही ये बन जाते हैं, और स्वाद में तो ये बहुत 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 ही टेस्टी लगते हैं। ये आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, अगर आप किसी ट्रैवलिंग में जा रहे हो तो ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है आपके ट्रैवलिंग स्नैक्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल्स बनके तैयार है। आप एक बड़ी सी रोटी बेल के उसे कटोरी की हेल्प से ऐसे पूरी के आकार की शेप भी दे सकते हैं, और इसे भी कड़क फ्राई करके आप स्टोर कर सकते हैं, टी टाइम में खा सकते हैं, या फ्रेश ऐसे सवेरे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो ये भी ऐसे फ्राई होके तैयार है। आप ऐसे सिंपल सी पूरी बेल के उसे भी ऐसे मस्त फुली फुली हुई फ्राई करके भी खा सकते हैं। रेगुलर पूरी से ये बहुत अलग लगती है और बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आप फ्राई की हुई चीज़ें नहीं खाना चाहते तो ये ऐसे पराठा भी मस्त बना सकते हैं, जो कि कम समय में हेल्दी ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पराठा भी बनके तैयार है। तो ये मैंने बहुत कम समय में आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बताई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।